सफलता हासिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक लक्ष्य सेट कर लें, एक गोल डिसाइड कर लें कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। फिर आप देखेंगे कि मंजिल चाहे कितनी दूर क्यों ना हो, आपको आपके सपनों को साकार करने में कितनी आसानी होती है और कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। ऐसा ही कुछ हुआ जाने माने फिल्म निर्माता राहुल मित्रा की जिंदगी में। कैसे हुनर ने सिफर से शिखर तक इन्हें पहुंचाया, आइए आपको दिखाते हैं हमारे अगले सेगमेंट कामयाबी की ओर में। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, अगर हौसला मजबूत है और मन में सच्ची लगन है तो आप किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। कुछ ऐसी ही हुनर से कामयाबी की दास्तान है जाने माने फिल्म निर्माता राहुल मित्रा की, जिन्होंने अपने हौसले और लगन के जरिए सिफर से शिखर का सफर तय किया है। शुरू से ही लिखावट का और कम्युनिकेशन का और मैस कम्युनिकेशन का बहुत शौक था और इंटरेस्ट था। जैसे स्कूल में मुझे याद है मैं प्लेज लिखा भी करता था। सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में मैंने एक ड्रामा स्कूल शुरू कर लिया था और फुटबॉल और क्रिकेट के टूर्नामेंट खेलने के बाद मैं अभी सब दोस्तों को घर बुलाता था और हम लोग रिहर्सल करते थे प्ले के। तो मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में बहुत था। मजबूत इच्छा शक्ति और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का पक्का इरादा अगर मन में हो तो किसी भी मकाम पर पहुंचा जा सकता है। इसी की मिसाल हैं राहुल मित्रा। एंथुसियाज्म और एक गो गेटर जिसको कहते हैं कि जो करना है तो करना है, एंड आई थिंक यही एक ट्रेट है जो राहुल के अंदर हम सबसे बहुत ह्यूज क्वांटिटी में है, एंड इट्स मच मोर देन एनी ऑफ अस के विच हैज लेड हिम टू द हाइट्स वेयर ही इज राइट नाउ। राहुल जी का सपना हमेशा से ही कुछ बड़ा करने का था। पढ़ाई खत्म करने के बाद राहुल मित्रा ने पत्रकारिता के क्षेत्र को चुना और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टाइम्स ऑफ इंडिया में बतौर पत्रकार काम किया। करियर में अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद भी कुछ अलग करने का सपना रखने वाले राहुल ने नौकरी को छोड़कर ब्रांड इंडोर्समेंट के क्षेत्र को चुना। लगन और मेहनत के धनी राहुल को यहां भी कामयाबी मिली और जल्द ही इस क्षेत्र में अपने कौशल के जरिए इन्होंने एक बड़ा नाम बनाया। हमेशा से बॉलीवुड में अपने सपनों की मंजिल को चाहने वाले राहुल ने बॉलीवुड में कदम रखा और एक फिल्म बनाने की योजना बनाई। मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी कंपनी खोलने की जरूरत है जिसमें मैं लोगों को और ब्रांड्स को ये बताऊं कि उनको अपने आप को कैसे तराशना है, उनको कैसे अपने आप को इवॉल्व करना है। तो उसके लिए मैस कम्युनिकेशन, मीडिया प्रमोशन, ये सभी चीज़ें थी। और मुझे याद है कि जब मैंने पहली दफ़ा अपनी कंपनी खोली तो मैंने जो कार्ड और लोगो बनवाया था आज भी वो सेम है। उस पर मैंने लिखा था ब्रांड मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। ब्रांड कम्युनिकेशन से मेरी शुरुआत हुई, कम्युनिकेशन का मैं आदमी था तब, और एंटरटेनमेंट में मैं आज पहुंच गया। तो मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी भी है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसली इस ओर बढ़ रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं एक दिन फिल्में बनाने लगूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी थी कि और मैं डेस्टिनी मुझे अपनी ओर खींच रही थी। जब आपके सपने सच्चे होते हैं और मन में लगन और हुनर का साथ हो तो मुश्किल लगने वाली मंजिल भी आसान हो जाती है और सफलता आपके कदम चूमती है। He was a very strong-headed person, actually. जो भी करता था बड़ी कन्विक्शन और डिटर्मिनेशन से करता था, भाई मैंने यही करना है तो करना है। हम कई बार मजाक भी उड़ाते थे इसका, रोकते भी होते थे और कई बार टांग भी खींचते होते थे इसकी कि क्या कर दिया तूने। बट ही वॉज वेरी कन्विंस कि मैंने किया है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, डन। बट ही वॉज वेरी हेड स्ट्रॉन्ग कि करना है तो करना है। पहली फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर ने कामयाबी के स्वाद को चुना और यहीं से राहुल मित्रा एक कामयाब और बड़ा नाम बनकर बॉलीवुड में उभरे। राहुल मित्रा ने कौशल और अच्छी समझबूझ से बॉलीवुड में कई फिल्में बनाई हैं, जो उनकी मार्केटिंग स्किल और फिल्मी समझ के कारण कामयाब हुई हैं। स्किल्स तो अपने आप आ जाती है, आप में करेज होना चाहिए, आप में विजडम, नॉलेज को देखिए, नॉलेज और विजडम में भी अंतर है। नॉलेज तो कोई भी, आप गूगल पे जाके भी नॉलेज कर सकते हो, लेकिन उसको आप कैसे अप्लाई करोगे वो विजडम है। और एंड में कंपैशन, जब तक आपके पास कंपैशन नहीं है
आप एक दूसरे को समझ नहीं सकते, उनकी प्रॉब्लम्स उनके साथ काम नहीं कर सकते। तो ये तीन सबसे पहले तो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप कोर स्किल सेट्स की बात करें, राइटिंग, ड्राफ्टिंग, कम्युनिकेशन, सेंसेस को हमेशा आप एकदम क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर नज़र, इंटरपर्सनल स्किल्स के न्यूज़पेपर पढ़ें, पॉलिटिक्स के ऊपर मालूम होना चाहिए, सोसाइटी के ऊपर मालूम होना चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग क्या है पॉलिटिक्स में वो उसकी समझ होनी चाहिए, तभी तो आप ऐसी फिल्में बना सकते हैं या ऐसी फिल्मों को प्रमोट कर सकते हैं। राहुल मित्रा उदाहरण है हमारे उन सभी युवाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। राहुल मित्रा ने जिस तरह से सिफर से शिखर तक के सफर को तय किया है वो उन सभी के लिए एक प्रेरणा है कि अगर मन में लगन हो कुछ करने की और आप पूरी मेहनत के साथ काम करें तो मंजिल एक ना एक दिन आपको जरूर मिल जाती है।